पीलीभीत के सीएम डॉक्टर आलोक कुमार द्वारा की गई बदसलूकी को लेकर एक तरफ फार्मासिस्ट काफी आहत हैं तो उनके परिवार के लोग भी खासा परेशान हैं। आत्महत्या करने की चेतावनी देने के बाद फार्मासिस्ट की पत्नी बेहद दुखी है। पत्नी ने सीएमओ पर कार्रवाई नहीं होते देख अब मुख्यमंत्री से अपने पति की जिंदगी की सलामती के लिए सीतापुर तबादला करने की मांग की है। पत्नी की ऐसी वेदना का वीडियो जिला एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भेजा गया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि 24 जुलाई को सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार ने जमुनिया पीएचसी पर निरीक्षण के दौरान वहां तैनात फार्मासिस्ट अमरीश वाजपेयी के साथ बदसलूकी की थी। सीएमओ ने जूता से मारने के लिए धमकाया था, जिसके बाद से फार्मासिस्ट काफी आहत है और आत्महत्या करने की बात कह रहा है। इस घटना के बाद से पूरे प्रदेश के फार्मासिस्ट हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इधर घटना को लेकर फार्मासिस्ट की पत्नी साधना वाजपेयी काफी परेशान है और उन्हें पति की चिंता सता रही है। पत्नी ने घटना को लेकर संगठन के जिला स्तरीय पदाधिकारियों को एक वीडियो भेजा है, जिसमें कहा गया है कि सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार ने उनके पति के साथ सभी हदों को तोड़कर बदसलूकी की है। इससे उनके पति काफी आहत है और जान देने की बात कह रहे हैं। यदि शासन प्रशासन इसमें सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है तो पति का सीतापुर तबादला कर दिया जाए। उसके पति पीलीभीत में ऐसे अधिकारी के साथ काम नहीं कर सकते हैं और उनकी यहाँ जिंदगी सुरक्षित नहीं है। फार्मासिस्ट की पत्नी की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मेरे पति जनपद पीलीभीत में पूरन प्रभाग के जमुनिया खास में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। जब संडे को वहाँ पर आरोग्य धाम मेला था, जहाँ पर सीएमओ जांच के लिए आए थे, उन्होंने मेरे पति के साथ काफ़ी अभद्र व्यवहार किया था। युद्ध के जूते निकाल कर उनको मारने की कोशिश की, जिससे वो काफ़ी मानसिक आघात में पहुँच गए और बेहोश होकर गिर पड़े और वो अपने सुसाइड करने के कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी लोगों ने समझाने पर वो काफ़ी मानसिक में है, हम सभी लोग काफ़ी मानसिक आघात में हैं। मुझे मुख्यमंत्री जी से न्याय की पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय किया जाए और मेरे पति को गृह जनपद सीतापुर में स्थान कर दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को तय कि अगर वो वहाँ पे रहेंगे तो उनके साथ दोबारा किसी प्रकार के अवैध व्यवहार किया जा सकता है और वो सुरक्षित नहीं है वहाँ।